चंद्राय राधिकाय तथा कृष्णाय कृष्णभक्ताय पदभक्ताय नमो नमः। हम लोग जिस स्थान पर आए हैं उसके संबंध में बंगला में भक्ति रत्नाकर और नवदीप धाम परिक्रमा से पाठ करके सुनाया गया है और भक्तिता में भी बोला गया है। इस स्थान का नाम चंपक हट्ट है। दिस प्लेस इज नोन एज चंपक हट्ट। इस चंपक हट्ट में चंपा के पुष्प होते थे और चंपक लता सखी गुथ कर राधा कृष्ण को यहाँ पर माला पहना पहनाती थी। Here, चंपक लता वन ऑफ दी एट सखी used to make garland of champak flower and he used to decorate Sri Radha and Krishna conjugal. So this place is known as champak hatta. ये वृंदावन में खदी वंश का ये अंश है। वृंदावन में जैसे सीरियल रूप में वन है यहाँ पर ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है प्रेम विवर्त है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ये प्रेम का विवर्त है। प्रेम सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है। प्रेम की गति वक्र है, इसलिए कोई चीज सीधी नहीं आकर टेढ़ी मेढ़ी इधर से उधर चलती है। इसलिए ये प्रेम का विवर्त के वजह से ये वृंदावन के बारह वन इस तरह से टेढ़े मेढ़े रूप में इस नवदीप धाम में है। चैतन्य महाप्रभु जी को आप लोग सरल सीधा मत समझेंगे। कपटी में कृष्ण कपटी धूर्त हैं, किंतु उनको भी परास्त करने वाले ये चैतन्य महाप्रभु जी अत्यंत धूर्तों के भी धूर्त चूड़ामणि है ये चैतन्य महाप्रभु जी। यहाँ पर बतलाया गया कि गदाधर जी के छोटे भैया पानीनाथ जी यहाँ पर गौ गदाधर की प्रतिष्ठा की। साधारण रूप में लोग समझते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में विष्णु प्रिया जी जो भक्ति की प्रेम स्वरूपिणी हैं, उनके साथ में मायापुर में उनकी विग्रह प्रतिष्ठा हुई है और उनकी पूजा होती है, इसलिए विष्णु प्रिया की आराधना श्रेष्ठ है। किंतु रसिक भक्त लोग स्वरूप दामोदर राय रामानंद इत्यादि जो विचार दिया है उनके अनुसार में गौ विष्णु प्रिया की अपेक्षा गौ गदाधर की उपासना बहुत श्रेष्ठ और रसमयी उपासना ब्रज की उपासना के समान है, राधा कृष्ण की उपासना है। इसलिए गौ गदाधर जी की यहाँ उपासना है और कहीं नहीं देखी जाती उनकी उपासना, किंतु यहीं पर वाणीनाथ जी ने गदाधर जी की कृपा से यहाँ पर प्रतिष्ठित किया है। हम लोग सौभाग्यवान है जी इस जगह में गौ गदाधर जी का शिव विग्रह हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और एक बात है, मैं संक्षेप में बतला रहा हूं क्योंकि बहुत समय हो गया है। यहाँ पर जयदेव गोस्वामी जी रहते थे, इसके पहले गंगा के उस पार में चैतन्य महाप्रभु के पास ही में एक जगह है जिसको क्या कहते हैं बल्लाल देवी के पास ही में जयदेव गोस्वामी का पाठ है, वहीं पर रहते थे। किंतु राजा ने लखन सेन महाराज ने इनकी प्रसिद्धि सुनकर इनके चरणों में नतमस्तक हुए और बोले आप हमारे राज्य के कवि हो। उन्होंने कहा कि हम तो कृष्णचंद्र जी के दरबार के कवि हैं, तुम्हारे राज्य के कवि नहीं है जो तुम्हारे को प्रसन्न करने के लिए हम आएंगे। हम तो राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु जी को ही प्रसन्न करना चाहते हैं, इसी में हम प्रसन्न रहते हैं, हम तुम्हारे राज्य में नहीं रहेंगे। ये कहकर उनका राज्य छोड़ करके गंगा पार होकर के जब जाने लगे तो उनके चरणों में गिर करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप यहाँ न रहिए तो आपको हम यहाँ पर स्थान चंपक हट में आप रहिए। यहीं पर आकर के उन्होंने गीत गोविंद की रचना की दशावतार और गीत गोविंद की रचना की मंगल गीतम जिसको अभी गाया गया। उसकी ये सुन करके राजा चमत्कृत हो उठा और जो जो सुने वही प्रेम में मुग्ध हो जाए। यही पर आकर के गीत गोविंद का उन्होंने गोविंद की रचना की। रचना करते करते एक जगह में आया एक ऐसा प्रसंग कि रासलीला हो रही थी और रासलीला होते होते कृष्ण ने
गोपियों के अनुसार में लाखों लाखों रूप धारण करके एक एक गोपी के बीच में एक एक कृष्ण होकर के नृत्य करने लगे। राधा जी ने देखा जो सब गोपियों के साथ में नृत्य करते हैं और ये धूर्त कहता है कि तुम ही हमसे बड़ी प्यारी गोपी हो, इसलिए राधा जी ने मान करके और उस स्थान को छोड़ दिया और कृष्ण उनको खोजने के लिए जाने लगे। राधा जी को इतना मान हुआ कि वो प्रसन्न नहीं हुई। कृष्ण देख रहे हैं जयदेव अपने भाव नेत्र से कृष्ण उनको मनाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, किंतु राधा जी आज मान नहीं रही। उन्होंने बंसी का सहारा लिया, ललिता विशाखा का भी सहारा लिया, किंतु आज राधा जी नहीं मानी। तब कृष्ण ने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और बोले, स्मर गरल अखंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम। यहाँ पर प्रेम की भिक्षा मांगी तो जिस समय लिख रहे थे उनका हृदय कंपित होने लगा। ये मैं, ये कृष्ण तो समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं, सबके आदि हैं और तत्व हैं, उनके समान में और कोई तत्व नहीं है और राधा जी उनकी शक्ति हैं, उनके सबॉर्डिनेट हैं, इसलिए राधा जी के चरणों में कृष्ण यदि देते हैं पैसी तो ये तत्व विरोध हो जाएगा, इसलिए उनका साहस नहीं हुआ और ये पद नहीं लिख सके। जब पद नहीं लिख सके तो उन्होंने पुस्तक में डोरी बांध कर और गंगा में, जब गंगा पास ही है, स्नान करने के लिए गए। इतने में एक छोटा सा कोई बालक आया और आकर के जयदेव की स्त्री से कहा, अरे मैं जयदेव का रूप धारण करके और आकर के कहा, ये देखो जो मैं पुस्तक जो ठाकुर जी के घर में रख दिया है, मुझे कुछ स्मरण हो गया, मुझे कुछ लिखना है, ला दो। उसने पुस्तक ला करके दे दिया। पुस्तक ले जाने के बाद में कृष्ण ने अपने हाथों से स्वर्णाक्षर के रूप में लिखा, जो कि जयदेव कभी नहीं लिख सके, स्मर गरल अखंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव। उस पद की उन्होंने पूर्ति कर दी और लिख करके वो चले गए स्नान करने। इतने में वो आए, उन्होंने कहा तुम बड़े जल्दी स्नान करके आ गए। जल्दी तो नहीं, मैं तो नहीं लौट, अरे बीच में तुम आकर के पुस्तक में कुछ लिख गया। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बीच में नहीं आया। कहा देखे पुस्तक, तो पुस्तक को खोल करके देखा जी, उसमें लिखने में उनके भाव तो आया किंतु डर के मारे लिख नहीं सके, किंतु कृष्ण स्वयं जिस चीज को नहीं लिख सके राधा जी की महिमा का वर्णन करने के लिए स्वयं कृष्ण लिख दिए, जो स्मर गरल अखंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव। देख करके रोने लगे और अपनी स्त्री का पैर पकड़ लिया, पकड़ कर कहते तुम बड़ी सौभाग्यवती हो जो कृष्ण का दर्शन पाया, मैं तो कर नहीं सका। उन्होंने उससे कहा, अरे मैं तो समझा नहीं जैसे वो जयदेव हैं कि वो कृष्ण है, मैं नहीं समझ सकी। अब दोनों मिलकर के रोने लगे और कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। तो ये सब घटनाएं राधा जी का प्रेमोत्कर्ष यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ और कृष्ण ने स्वयं यहाँ आकर के राधा जी का महिमा वर्णन किया, इसलिए कृष्ण है सर्वश्रेष्ठ सभी। किंतु कृष्ण स्वयं कहता है कि हमारे प्रेम की गुरु कौन है? मेरे प्रेम की गुरु ये श्रीमती राधिका। यद्यपि शक्ति शक्तिमान दोनों एक ही हैं, ये कृष्ण की भी महत्ता है कि राधा जी की महिमा को इस प्रकार से उन्होंने प्रकाशित किया। और सब हम लोग मठ में बोलेंगे, आज यही वक्ता करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। गौ प्रभानंद रामचंद्र हरि लिट। महाराज वाज टेलिंग दिस प्लेस इज कॉल्ड चंपक हट और चापा हाटी। इनफैक्ट चंपक लता वन ऑफ द सखी ऑफ राधा रानी कृष्णा, शी यूज टू कम हियर एंड पिक अप द फ्लावर ऑफ चंपक लता, वेरी फ्रेग्रेंटेड फ्लावर, एंड मेक गार्लैंड एंड गिव इट टू राधा कृष्णा टू डेकोरेट ईच अदर। That is why the name of this place is Champaklata. Palki utha di jaye aur chale palki ko utha ke. Band kare aap. Ab aap badi bajun bajun. Aap log rukiye, dikhai chalne wale rukenge. Aap log rukiye, abhi disturb ho jayega nahi to. But 5 2 minute mein main finish karta hu.
Maharaj was telling that this place is Khadirvan of Vrindavan. In Vrindavan there are 12 forests, but these forests are lined in serial wise. But here in Gaurmandal, those forests are present but not lined in serial wise. Maharaj was saying the reason is that love factor is crooked. It's not straight way. Therefore, Vivat. Here is prema vivat. Vivat means in love, things go adverse and crooked. So here the forests are not lined in serial wise. Then Maharaj was saying that don't think that Chaitanya Mahaprabhu is as simple as you think. Krishna is crooked and Chaitanya Mahaprabhu is more crooked. Maharaj was explaining. Then further Maharaj was saying that this is the place where Jai Jai Goswami was residing. Earlier he was residing across Gandhi, the place where King Lakhan Singh came and asked him that you become poet of my kingdom. But Jai Jai said that I always sing in glory of Radha Krishna. I cannot sing in glory of anyone. I cannot stay even here because you have offered me to stay in your kingdom. He left that place. At that time, King said, oh please, I have offended you. Accept my request that at least you should stay here across Ganges. And then Jai Jai Goswami came here. He stayed here. Maharaj was saying, this is the place where he wrote Geet Govind, the most famous song of Jai Jai Goswami. This is the very place where when he found that Krishna is doing Ras Leela and Radha Rani left Ras Leela in Man because Krishna was playing with so many gopis. He was doing Ras with so many gopis after manifesting him in so many forms. Then she became angry and when she left, Krishna also left at the same time, leaving all the gopis in search of Radha Rani. He tried to bring around Radha Rani, he tried to please Radha Rani, but Radha Rani was this time not ready to be pleased. At the time he used his flute. Flute is the most powerful weapon with Krishna to please Radha Rani, but this time that weapon also failed. Maharaj said, at that time Jai Jai Goswami was narrating this whole narration and feeling that Krishna is saying that I want to put my head on your feet, please Radha Rani, be pleased. But he could not write it. He said that Krishna is Supreme Personality of Godhead, Radha Rani is his potency. How potency is always subordinate to potent, how it is possible that the potent is surrendering to his potency. He could not write it, he left that place and his copy notebook in front of Krishna and said to his wife, I am going to take bath. But as soon as he left, Krishna, taking form of Jayadev, again entered into and said to his wife, I just recollected something, I want to write it again. She gave that notebook to him. He wrote over there the most famous shloka of Smaral Garal Khandanam which Maharaj was reciting, in which he said, Krishna is saying, writing himself, Krishna is begging the lotus feet of Radha Rani and saying, I want to put my head on your lotus feet, please Radha Rani, you give up your man and be pleased. And when really Jai Jai Goswami came and his wife said, you went right now and have come again, you have taken bath so quick. He said, no, I did not come. I have taken my bath and I have taken my due time. Then she said, you came here, you wrote you completed your shloka over here. But Jai Jai Goswami was stunned. He said, I never thought like this. I never knew this thing. And he saw that shloka which was written by Krishna in golden line. When he saw, he fell at the feet of his wife that you have seen Krishna. Krishna himself came to you. And his wife started weeping. Oh, I couldn't recognize that he was Krishna. And that way they started praying Krishna in this mood, in which Krishna accepted this mood that he always put his head on the lotus feet of Radha Rani. Vancha Kalpura. God Premanande. একজনে একটা ব্যাগ হারিয়ে গেছে, কেউ পেয়ে থাকলে বলেন মানি ব্যাগ, একজনে হারিয়ে গেছে।
Thank you.